सबके दिमाग में ये आता है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि ये लोग कमाते कैसे हैं इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया में घुसते हो तो आपको आ, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत अपने लाइफ को एक्स्ट्रा वेकेंट करना पड़ता है आप लोग बोलते रहते हो ना कि पीयूष के लिए शॉपिंग करो पीयूष को नए कपड़े दिलवाओ तो अब मैंने खूब सारे पीयूष के लिए कपड़े ऑर्डर करे हैं तो so, आप देख सकते हो मेरे आसपास बहुत सारा सामान रखा हुआ है ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले 24 फोर आवर्स में मेरे घर पे डिलीवर हुई हैं तो आज मैं इन्हीं सब का ब्लॉग बनाने वाली हूँ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट गेट डिलीवर टू मी इन द पास 24 फोर आवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपने लाइफ अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाली हूँ तो लास्ट तक देखता डोंट वर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंगट्स बिगेन सो so गाइज़ हम लोग uh, YouTube के अलावा Instagram इन्फ्लुएंसर्स भी हैं एंड उसी वजह से काफ़ी सारा सामान हमारे पास आता रहता है तो मैं आपके साथ ही अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ सारी चीज़ों की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है बड़ा मज़ा आता है एक साथ बैठ के खोलने में वैसे तो पीयूष और मैं साथ मैं में अनबॉक्सिंग करते हैं बट आज मेरे को वीडियो बनानी थी तो मैं अकेले कर रही हूँ तो uh, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा कि इतना सारा सामान क्या चक्कर है क्या नहीं मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी बट uh, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल हैम्पर इंस्टाग्राम की लाइफ में ना यही होता है कि आपको किसी को कहीं इनवाइट करना है तो आपको पहले बड़ी सुंदर सुंदर से अट्रैक्टिव से हम्पर्स भेजने पड़ेंगे तो हमारे पास हैम्पर्स भी आते रहते हैं दिवाली के तो अभी काफ़ी सारे हैंपर्स आए हैं बस लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में मैंने यही रिसीव करा है तो मैं आपको यही दिखाती हूँ सो so, इसमें होता है इन्विटेशन कार्ड यामिनी एंड पीयूष और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं अबाउट द इवेंट दिवाली पार्टी का लोकेशन टाइम और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें ये हैं कलीरे एंड कलीरों के नीचे है हमारी कस्टमाइज पिक्चर्स एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल तो डेफिनेटली हम ये वाली दिवाली पार्टी तो अटेंड करने वाले हैं एंड अब आते हैं बाकी सारी चीज़ों पे अगेन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आई कॉन्ट वेट टू शो यू गाइस क्या क्या है यहाँ पर सामान सो so, सबसे पहले मेरे आगे जो रखा हुआ है वो है ये तो ये है कस्टमाइज नाइट सूट्स पीयूष और मेरे नाम के नाइट सूट्स हैं एक्चुअली नीरा के लिए भी आया था बट मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हुई कि मैंने उसी समय खोल के नीरा को तो पहना दिया एंड इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो आप लोग पूछते हो ना हम लोग ट्विनिंग कैसे करते हैं तो बहुत बहुत बारी स्पेशली नाइट सूट्स और एक कॉट सर्ट्स इन सब में ट्विनिंग करना इजी होता है तो बहुत बारी ब्रांड्स ही हमें भेजते हैं ट्विनिंग आउटफिट्स तो इनमें यही होता है हाफ ऑफ द टाइम्स कि ब्रांड्स वगैरह हमसे चॉइस करवा लेते हैं चीज़ों की और फिर वो हमारा साइज ले लेते हैं और फिर बना के भेजते हैं अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आंसर करती हूँ आप लोगों का सबके दिमाग में ये आता है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि ये लोग कमाते कैसे हैं अब तो रिसेंटली बहुत ही न्यू फीचर है इंस्टाग्राम का कि इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने के लिए भी मनी दे रहा है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं हर अकाउंट के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बता सकती बट जो ये सब है प्रमोशन का तरीका इंस्टाग्राम में अभी तक लोग प्रमोशंस के थ्रू अर्न करे थे इसमें होता क्या है कि ब्रांड्स हमें अपना सामान भेजते हैं एंड देन दे आस्क टू प्रमोट दैट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेजेस और उसी के थ्रू हम लोगों के कमर्शियल सेट होते हैं जितना बड़ा अकाउंट होता है उतना अच्छा चार्ज लेता है जितना छोटा अकाउंट, 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 अकाउंट होता है उतना कम करता है कभी कभार बाटा सिस्टम में भी हम लोग काम कर लेते हैं बाटा सिस्टम मीन्स कि आप हमें सिर्फ कि ब्रांड्स हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स देते हैं और हम उसके अगेंस्ट उनके वो प्रमोशन देते हैं तो जब हम पहले आ, स्टार्ट कर रहे थे अपना इंस्टाग्राम का पेज फॉलोअर्स बहुत कम थे तब हम बांटा करते थे बट अब क्योंकि बहुत टाइम एंड एन एनर्जी लगती है तो हम लोग पेड प्रमोशन करते हैं तो ये है नेक्स्ट है पीयूष की शर्ट ये को में नहीं है, है मैंने ऑर्डर करी थी और पीयूष की और भी बहुत सारी शर्ट्स मैंने ऑर्डर कर रखी हैं बट वो अभी आई नहीं है तो लास्ट ट्वेंटी फोर सेवन ट्वेंटी फोर आवर्स में यही रिसीव हुई है आप लोग बोलते रहते हो ना कि पीयूष के लिए शॉपिंग करो पीयूष को नए कपड़े दिलवाओ तो अब मैंने खूब सारे पीयूष के लिए कपड़े ऑर्डर करें हैं आई होप अपकमिंग वीडियोज़ में आप पीयूष को नए कपड़े पहने हुए देखोगे तो आप लोगों की भी बात मैंने रख ली है तो इसमें से काफ़ी सारे तो कपड़े ही हैं तो ये है वन ऑफ माई वेरी फेवरेट जिसके लिए मैं एक्चुअली मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी ये एक बहुत ही हैवी लहंगा है दिवाली के लिए uh, मतलब फेस्टिव सीजन और कमिंग दिवाली सीजन के लिए मैंने ऑर्डर करवाया था इसको पूरा पहन के तो मैं डेफिनेटली एज यू गाइस नो मैं अच्छे से पोस्ट करूँगी ही और uh, डालूंगी ही पूरा दिखाऊँगी हो सकता है ब्लॉग भी बनाऊँ बट अभी आप एक ग्लिम्स देख लो बहुत ही सुंदर है हैवी भी है एंड दिस कलर आई लव दिस कलर मेरे को वैसे भी ये कलर था भी नहीं बहुत ही सी इन इन है ये कलर अभी इस सीज़न में ये इसका ब्लाउज है एंड साथ में दुपट्टा और पोटली भी है ठीक है अब आते हैं एक और ट्विनिंग आउटफिट पर आप लोग अगेन सब ने पूछा था कि ट्विनिंग आउटफिट कहाँ से लें क्या करें क्या नहीं तो ये भी एक ट्विनिंग आउटफिट है जो एक ब्रांड ने ही हमारे लिए बना के भेजा है इसमें पीयूष और मेरा कलर डिज़ाइन सारा कुछ मैंने ही फाइनल किया है मैंने ही ब्रांड से बात करी थी एंड फाइनली ऑर्डर करवाया था तो अगेन ये भी बहुत ही सुंदर कलर है पाउडर ब्लू एंड uh, ये है पियूष का कुर्ता एंड ये है बहुत ही बहुत ही सुंदर सी डेलीकेट सी साड़ी इनफैक्ट पिक्चर्स में ही फाइनल किया था तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी सुंदर होगी बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एलिगेंट पीस बहुत ही क्लासी है तो आउटफिट्स का तो हो गया ये है कुछ ज्वेलरी पीसेस और ये है बेज एंड गोल्डन कलर के ईयर तो आई नो आप सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि आप तो सारा काम ही प्रमोशन के लिए करते हो हाउ डू वी बिलीव यू तो ऐसा नहीं है uh, काफी बार एस आई टोल्ड यू सारे प्रोडक्ट्स मेरी चॉइस के हिसाब से ही होते हैं जो प्रोडक्ट्स मैं सेलेक्ट करती हूँ या फिर जिन प्रोडक्ट्स में मैं बिलीव करती हूँ मैं उन्हीं को मंगवाती हूँ अपने पास और उन्हीं को प्रमोट करने के लिए हाँ भरती हूँ तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ब्रांड आ जाता है वो कुछ भी बोले तो हम कुछ भी प्रमोट करते हैं ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें टर्न डाउन करना पड़ता है बिकॉज़ हम उन्हें बिलीव नहीं करते या हम उन्हें यूज़ नहीं करते पर्सनली हमारे यूज़ के लिए नहीं है या हमें नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस के लिए वो प्रमोट करना सही रहेगा तो हम उन्हें मना कर देते हैं ये तो एक्चुअली बहुत ही भारी है और ये तो मेरे को बिल्कुल आइडिया भी नहीं है इनफैक्ट इसमें नंबर भी मेरी टीम का ही दिया हुआ है तो देखते हैं इसमें क्या है ये तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए ओके okay, तो ये आ, दिवाली हैम्पर ही है अगेन दिवाली के टाइम पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हमें एज दिवाली विशेज कुछ ना कुछ हैम्पर और गिफ्ट्स भेजते हैं तो टी डब्ल्यू एक ब्रांड है जिससे हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं आ, उसका हैम्पर है ये थैंक यू सो मच टी एन डब्ल्यू आई एव ऑलवेज लाइक योअर प्रोडक्ट एंड थैंक यू फॉर द दिवाली हेम्पर हैप्पी दिवाली टू यू टू ओह दिस इज़ फॉर नहींरा नहींरा के लिए कुछ आया है तो ये तो बहुत क्यूट होगा आई एम श्योर नहींरा के प्रोडक्ट्स खोलने में सबसे ज़्यादा मजा आता है बहुत ही क्यूट चीज़ें आती हैं जो भी ब्रांड्स नीरा के लिए कुछ बना के बेचते हैं बहुत ही बहुत ही क्यूट होता है वाह नीरा का दिवाली आउट फिट एंड ये है बहुत ही प्यारा नीरा का दीवार या फिर वाओ कितना सुंदर है कितनी प्यारी स्लीव्स हैं कीटू सा छोटू मोटू सा नीरा को लहंगे पहनना वैसे भी बहुत पसंद है पिछले दो बार से जब से मैं उसे लहंगे पहना रही हूँ माय गॉड बस वो लहंगा पहन के इतरा इतरा के पूरे घर में घूमती रहती है इनफैक्ट वो पिक्चर भी क्लिक नहीं करवाती चीज़ें लाइक हाँ पूरे नखरों में होती है जब नीरा लहंगा पहनती है <laughs> तो नीरा इसके लिए बहुत एक्साइटेड होने वाली है अभी तो सो रही है जैसी उठेगी नीरा हमला कर देगी सारी चीजों पे नीरा और नीरा के पापा बिल्कुल एक जैसे हैं नया सामान आता है ना तो वो झपट्टा मारते हैं और फटाफट ना ऐसे हो जाते हैं कि फटाफट खोल के दिखाओ फटाफट खोल के दिखाओ क्या है इसके अंदर नीरा और पीयूष दोनों बिल्कुल एक जैसे है इस मामले में अब ये लास्ट बॉक्स है आज जो डिलीवर हुआ है इसको खोल के देखते हैं आ, ये स्वीडन से आया है तो आज सुबह ये आया था तो पीयूष ने रिसीव किया था मैं तो अपने रूम में थी तो वही पीयूष बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि खोलो खोलो फटाफट फटाफट फट, मैंने कहा नहीं मेरे को वीडियो बनानी है तो मैं वेट करना पड़ेगा तो आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि आप लोग कितने वेस्टफुल हो कितना सारा सामान मंगवाते हो फिर एक एक बार पहन के छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं है इसमें से काफी सामान जो मुझे लगता है जो Uh, सब लोग पहन पाएंगे तो वो मैं डोनेट करती हूँ जो थोड़े बेसिक कपड़े होते हैं जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं उन्हें मैं अपने फिफ्ट स्टोर पे अपलोड कर देती हूँ ताकि और लोग उसको परचेज़ कर पाए एट लो कॉस्ट सो so, ये एक इको फ्रेंडली तरीका है कपड़े मैनेज करने का बिकॉज ऑब्वियसली मेरे यहाँ भी इतनी जगह नहीं है कि रोज़ नए कपड़े आएँ और रोज़ मैं उन्हें कहीं ना कहीं फँसा लूँ दबा लूँ तो खैर बैग का कलेक्शन तो मेरा बहुत एक्स्ट्रा वेगेंड है एक आधीज़ होगा तो शौक होना भी चाहिए यार मुझे बैग्स का है तो ये है फोरियो करके एक ब्रांड है उसकी साइड से एक हैम्पर आया है, इनकी हम लोगों ने एक वीडियो बनानी है पहले हम प्रोडक्ट्स को यूज करके देखेंगे क्या है दीज आर स्किन केयर प्रोडक्ट्स लग्जरी ब्रांड इंडिया में न्यू लॉन्च हो रहा है तो न्यू प्रोडक्ट्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी है फॉर स्किन केयर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यूज करने के लिए एंड दिस इज यूनिसेक्सुअल तो पीयूष और मैं दोनों यूज करने वाले हैं सो so, ये था आज का अनबॉक्सिंग ऑफ ऑल द आइटम्स दैट आई हैव रिसीव्ड इन पास्ट आवर्स बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड एंड सब्सक्राइब वॉचिंग बाय बाय